हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक माय मैट्यूब चैनल एमएस में अपलोड करता हूँ बीएससी मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड आईटिक्स एम मैथमेटिक्स यू से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स बीएससी फिजिक्स से इस टॉपिक में बात करने वाला है अलॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अलग इलेक्ट्रॉनिक्स में टॉपिक हमारे पास में इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन डिस्टोरशन एट आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर बेसिकली एम्पलीफायर के जो आउटपुट होते हैं उनके ऊपर बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं तो सबसे पहले हमने इससे पहले फीडबैक सिग्नल्स एंड इनके एम्पलीफायर्स पे

विद नेगेटिव फीडबैक आपका डिस्टोर्सन लाइक डी एफ हो जाएगा और हाँ डी एफ हो जाएगा डी uh, हो जाएगा सॉरी एंड विदाउट की अगर मैं बात करता हूँ विदाउट तो वो डी एफ हो जाएगा ठीक है डी एंड डी एफ विद डिस्टोर्सन एट आउटपुट एम्पलीफायर विद एंड विदाउट नेगेटिव फीडबैक तो बात करते हैं यहाँ पे जो डी एफ है दैट इज इक्वल्स टू एक्स डी ठीक है तो एक्स क्या होगा

फीडबैक फ्रैक्शन और उसके साथ मगर मैं डीएफ को मल्टीप्लाई कर देता यानी कि विदाउट नेगेटिव फीडबैक विदाउट नेगेटिव फीडबैक उस कंडीशन में ये हो जाएगा डी बीटा जो होगा वो फ्रैक्शन ऑफ डिस्टोर्शन आउटपुट विच इज फैडबैक टू इनपुट ये वो फ्रैक्शन है जो कि आउटपुट से इनपुट में डाला जाता है बेसिकली ये ऐसे होता, यहां होता यह है यहाँ से एम्पलीफायर होता है ये इनपुट है ये आउटपुट है यहाँ से हम क्या करते हैं एक फीडबैक नेटवर्क लगा होता है इसमें से हम वापस क्या करते हैं इनपुट के अंदर सिग्नल को भेजते हैं तो यहाँ से जो फैक्टर अपन ले रहे हैं वो डी एफ बीटा फैक्टर है उसको आप यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक जो फैक्टर है उसके फीडबैक नेटवर्क है उसके थ्रू आप वापस इनपुट में मिक्स कर रहे हैं देन डिस्टॉर्शन ड्यू टू द फीडबैक लूप एट आउटपुट विल बी गिवन बाय माइनस ऑफ नेगेटिव है तो माइनस नेगेटिव में बीटा जो होता है वो नेगेटिव होता है ठीक है तो ये हो जाएगा माइनस ए बी BF ये वहाँ पे एम्पलीफायर गेन होता है ठीक है ए इज द गेन ऑफ एम्पलीफायर नाउ एट द सेम टाइम द ट्रांजिस्टर आल्सो प्रोड्यूस डिस्टॉर्शन अभी सी टाइम पे जो आप एम्पलीफायर के अंदर ट्रांजिस्टर्स जो ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं वो भी तो अपना एक डिस्टॉर्शन बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग डी एट आउटपुट सो ओवरऑल डिस्टॉर्शन देखो बेसिकली एक डिस्टोर्सन फीडबैक के कारण आ रहा है एक नेगेटिव फीडबैक जो आप यूज कर रहे हैं एक डिस्टोर्सन ट्रांजिस्टर के थ्रू तो ऐसे करके बहुत सारे होता है तो ओवरऑल जो डिस्टोर्सन होता है वो आउटपुट में वो आपको ये मिलता है डी एफिक्स टू देखो डीएफ जो होगा वो क्या होगा डी माइनस ये डी है टोटल ये हो जाएगा आपके पास में डी एफ डी एफ लाइक टोटल डी हो जाएगा जो कि डी एफ प्लस दिस एंड यहाँ पे ये क्या हो जाएगा डी एफिक्स टू डी माइनस ए बीटा डी एफ हो जाएगा ना अब अगर उसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हमारे पास भी इन दोनों की वैल्यू है इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स डी एफ अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं भैया लाइक ये हो जाएगा डी एफ डी एफ दैट इज एक्स डी तो दिस इज एक्स डी एंड ये डी का जो वैल्यू है वो हमारे पास में डी ही रहेगा ये डी हो जाएगा एंड माइनस यहाँ पर हो जाएगा ए बीटा टा एक्स डी तो डी सब में से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा सो बेसिकली एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स ऑफ ए बीटा एंड ये क्या हो जाएगा इधर तो आ जाएगा वन प्लस ए अपॉन बीटा तो वन हो जाएगा और बेसिकली वन अपॉन प्लस बीटा ए हो जाएगा हो हो ठीक ठीक है 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 इसी से हमारे पास में एक ए होता है, का। ठीक है, होता है, वन अपॉन अपॉन, विद तो वन बीटा ए होता का ये यहां पे क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा ये कब होता है उसके अंदर उल्टा होता है ना उसके अंदर ये पॉजिटिव में होता है और नेगेटिव में होता है पे और पॉजिटिव में आगे बढ़ते हैं। अब एफ जो है वो उसके बात करते हैं डी एफ जो है हमारे पास में एक डी एफ क्या होता है एक्स ये हो गया बेसिकली हमें यहाँ पे आप क्या करो डी डी तो तरफ मल्टीप्लाई कर दो ना हो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा एक्स डी इज इक्वल टू डी अपॉन वन प्लस बीटा ए हो जाएगा एंड uh, इसको डी एफ लिख सकते हैं एंड दैट इज द डी अपॉन वन प्लस ये हम कहा से लिख रहे हैं दिस इज इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन और ये भी हम कहा से लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन से इसको हम इक्वेशन नंबर वन कह देंगे ची? आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है डी एफ दैट इज डी अपॉन वन प्लस ए बीटा सो बेसिकली ये हो जाएगा डी एफ लेस देन डी ये हो जाएगा डी एफ लेस देन डी हो रहा है अंदर क्योंकि इसका वैल्यू जो बेसिकली है ना ये वन प्लस बीटा ए जो होता है इसका वैल्यू क्या होता है ग्रेटर देन वन होता है तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास में ये उधर जाएगा वन तो ये हो जाएगा बीटा ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो है पॉजिटिव मिल रहा है

और ये डी एफ नहीं हो ठीक है दिस इज नॉट अ डी एफ ये उल्टा लिख गया था इसको आप ध्यान रखना तो बेसिकली डी एफ विद हो जाएगा ना विद फीडबैक फीडबैक जब है फीडबैक लगा रहे हैं तो वो ये फीडबैक के साथ में जो है ना वो ज्यादा सॉरी कम होगा और विदाउट फीडबैक जो है वो क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा हाँ अब बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पढ़ने वाला है उसके बारे में बात करते हैं दैट इज द इफेक्ट ऑफ द नेगेटिव फीडबैक ऑन बैंड विट ऑफ एम्पलीफायर एम्पलीफायर की जो बैंड विड होता है उसमें सेवेंटी परसेंट आप कह सकते हैं जीरो रूट टू

करंट एम्पलीफायर गेन ए जिसको अपन कहते हैं गेन ऑफ एम्पलीफायर इनके बीच में एक कर्व बनता है बेसिकली कर्व कैसा बनता है तो सबसे पहले बात करते हैं विदाउट फीडबैक इस टाइप का कर्व आपको देखने को मिलता है विदाउट फीडबैक अगर हम बात करें तो यह ऐसा एक विदाउट फीडबैक जो है वो इस टाइप का कर्व आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ठीक है तो विदाउट फीडबैक हम बात कर रहे हैं विदाउट फीडबैक जो है वो आपको कर्व देखने को मिलता है तो वो हम लिख देते हैं यहाँ पे विद आउट फीडबैक विदाउट फीडबैक दैट इज विदाउट फीडबैक में क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको इसका ये मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है ठीक है ये यह यहाँ से मैक्सिमम हो जाएगा और ये विदाउट हो गया अब बात करते हैं विद फीडबैक विद फीडबैक में क्या होगा देखो विद फीडबैक एक काम करते हैं विदाउट को थोड़ा समझो इसलिए इसमें ऐसा होता है ऐसा समझ लो मतलब ये ऐसा होता है ठीक है और विद फीडबैक में क्या होगा विद फीडबैक में ये ऐसा रहेगा ठीक है अब विद फीडबैक में अगर हम बात करते हैं सो तो अगर हम यहाँ पे देखें एट ये देखो मैक्सिमम हो गया तो अपन कहेंगे ए ठीक है और ए का सेवेंटी परसेंट लेंगे ए बाई रूट टू ए बाई रूट टू जो मिलेगा ना वो जस्ट यहाँ कहीं मिलेगा ठीक है ए बाई रूट टू यहाँ मिलेगा।, मिलेगा अगर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ तो हम आगे बढ़ा देते हैं इस टाइप से ए बाई रूट टू यहाँ मिलेगा इसका ठीक है तो ये इसके फ्रीकवेंसीज हो जाएंगी इस पॉइंट पे जो इसकी फ्रीक्वेंसी मिल रही है उसको अपन कह देंगे एफ वन और इस पॉइंट पे जो इसकी फ्रीक्वेंसी मिल रही है उसको अपन कहेंगे एफ टू ओके ना अब यहाँ पे जो इसका मैक्सिमम है विद फीडबैक वो क्या हो जाएगा ए जाएगा एंड इसका जो सेवेंटी परसेंट हम ले रहे हैं इसको भी हम थोड़ा बढ़ा देते हैं इसका जो हम सेवेंटी परसेंट यानी कि वन अपॉन रूट टू ले रहे हैं तो ये हो जाएगा भैया दैट इज हो जाएगा बेसिकली वो यहां मिल रहा है तो इनकी फ्रीक्वेंसीज की बात करता है तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इस फ्रीक्वेंसी की बात करता है तो वो एफ वन डैस और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये, हो जाएगा F2 okay? अब ये, ये जो है हमारे पास में जो कर्व मिल रहा है ये मिल रहा है विद फीडबैक विद फीडबैक एंड विदाउट फीडबैक आपको इस टाइप से जो है वो फ्रीक्वेंसी मिल रही है अब देखो जब आपके पास में बैंडविथ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे ठीक है बैंडविट की बात कर रहे हैं तो हमें बैंडविथ निकालना है बैंडविथ पे इफेक्ट देखना तो यहां पे क्या हो रहा है कि मिड के अंदर अब देखो इसके एक्सप्लेनेशन को समझता है एट लो फ्रीक्वेंसी समझना एट लो फ्रीक्वेंसी गेन कपलिंग कैपेसिटर इट इज इट्स रेजिस्टेंस इज हाई सॉरी रिएक्टेंस नॉट रेजिस्टेंस इट्स रिएक्टेंस इज हाई

कैपेसिटर के कारण हो रहा है जिसके सिस्टम के अंदर नेटवर्क सिस्टम के फीडबैक सिस्टम के अंदर फीडबैक नेटवर्क के अंदर लगे हैं एंड बेसिकली जो आपका आउटपुट है नहीं सॉरी नॉट आउटपुट जो आपका हायर फ्रीक्वेंसी है हायर फ्रीक्वेंसी का जो हो रहा है उस टाइम पर जो रिड्यूस हो रहा है वो सन्ट जंक्शन कैपेसिटेंस की वजह से हो रहा है ओके okay? ये दो रीजन हो गए बट बीच में क्या हो रहा है कि ट्रांजिस्टर रिएक्टेंस बिकम स्लो अब इस कंडीशन जब सन्ट जंक्शन कैपेसिटेंस लग रहा है तो ट्रांजिस्टर रिएक्टेंस जो हो रहा है वो भी स्लो है लो है

और ये हो जाएगा एफ टू डैश इज इक्वल्स टू एफ टू वन प्लस बीटा ऑफ ए एम हो जाएगा ए एम यानी कि मिड फ्रिक्वेंसी एंड बैंड विथ विदाउट फीडबैक तो विदाउट फीडबैक जो मिलेगा यहाँ पे वो एफ टू हो जाएगा विदाउट फीडबैक ये वाला कर्व मिल रहा है ना इसका बैंड विथ ये हो जाएगा एफ टू एंड ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर वन एंड ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर टू हाँ अब हम बात करते हैं यहाँ पे आल्सो ए एम डैश जो आपको मिल रहा है दैट इज एम

ठीक है तो बेसिकली क्या हो रहा है बैंड विथ यहाँ पे इनिशियल लाइक like, जब आप फीडबैक लगा रहे हैं और जब नहीं लगा रहे हैं, तो उस कंडीशन बराबर है दोनों तरफ से लिख देता भैया ये क्या है बैंड विद्थ विद फीडबैक एंड बैंड विदाउट फीडबैक दोनों में क्या रह रहा है सेम रह रहा है विच सोज दैट गेन बैंड विद प्रोडक्ट रिमेन कॉन्स्टेंट ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहता भी जो है चेंज नहीं होता है विद एंड विदाउट फीडबैक दोनों के अंदर जो होता है वो ये कैसा होता है Constant होता है आई so, होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो कीप वॉचिंग एम एच मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू बाय